नमस्कार, मैं नीलेश कनौजिया स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो जैसे कि पूरे देश में जनता कर्फ्यू जो लागू किया गया था, उसका किस तरीके से जनता ने स्वागत किया है, किस तरीके से जनता ने उसको सपोर्ट किया है, इसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई मुलुंड चेकनाका की, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, जहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही होती थी, लेकिन यहाँ पे एक सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे जो कर्मचारी हमें दिखाई दे रहे हैं टोल नाका के, गाड़ियों की बिल्कुल आवाजाही बंद है, क्योंकि जनता ने समर्थन किया है जनता कर्फ्यू का। इसकी वजह से यहाँ पे आपको सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हम आपको और भी खबरें बताएंगे, हम आपको और भी जानकारी देंगे कि कहाँ कहाँ पर जनता ने सपोर्ट किया है कर्फ्यू का, जनता कर्फ्यू का। तो ये मुलुंड चेकनाका की हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, आगे हम आपको ले कर चल के दिखाएंगे और भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए मुंबई आगरा हाईवे हम आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इतना बड़ा हाईवे है कि डेली यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ जा रही थी, आ रही थी, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जाती है आती है, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स यहाँ से डेली गुजरती है, लेकिन यहाँ पर आज पूरा एक सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ आ रही जा रही, हो सकता है कि उन्हें कुछ इमरजेंसी होगा इसलिए वो गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जनता समझदार हो चुकी है मुंबई की, और वो चाहती कि कोरोना से किस तरीके से लड़ा जाए, इसके वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। सिर्फ जो कुछ रिपोर्टर्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि उनका काम ही है आपको सच पहुंचाने के लिए, खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे कि हम आपको और भी कुछ तस्वीरें बताएंगे, हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं मुसाफिर खाने की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये मुंबई के मुसाफिर खाने की हम आपको तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जनता स्वागत कर रही है जनता कर्फ्यू का, आखिर क्यों ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस से अगर हमें लड़ना है तो इस समर्थन में हमें साथ देना था, इस समर्थन में हमें आगे आना था। तो इस तरीके से जनता सामने आई है, सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। और नमस्कार, मैं नीलेश कनौजिया हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक बार फिर से। तो जैसे कि हम आपको साइन स्टेशन का नज़ारा दिखा रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो साइन स्टेशन का जो टिकट काउंटर है वो बंद कर दिया गया है, यहाँ पे पूरी तरीके से क्लोज्ड है, क्योंकि जनता कर्फ्यू का आज पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। रेलवे पूरी तरीके से ठप है, यहाँ पे हम आपको नज़ारा दिखे, एक भी जनता यहाँ पे, एक भी जो पब्लिक है यहाँ पे दिखाई नहीं देगी आपको। जी हम आपको बता रहे, देखिए ये स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेशन पर भी कोई भी यहाँ पर जनता दिखाई नहीं दे रही है। एक से दो जनता जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आ रही है जा रही है, लेकिन जो गाड़ियों की आवाजाही है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है, बंद कर दी गई। LBS रोड का जो है नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी पुरजोर समर्थन है जनता कर्फ्यू का, यहाँ पे साइलेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ हैं आ रही जा रही है। इसी तरीके से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और तो जैसे कि पूरे देश में जनता कर्फ्यू जो लागू किया गया था, उसका किस तरीके से जनता ने स्वागत किया है, किस तरीके से जनता ने उसको सपोर्ट किया है, इसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई मुलुंड चेकनाका की, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, जहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही होती थी, लेकिन यहाँ पे एक सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे जो कर्मचारी हमें दिखाई दे रहे हैं टोल नाका के, गाड़ियों की बिल्कुल आवाजाही बंद है, क्योंकि जनता ने समर्थन किया है जनता कर्फ्यू का। इसकी वजह से यहाँ पे आपको सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हम आपको और भी खबरें बताएंगे, हम आपको और भी जानकारी देंगे कि कहाँ कहाँ पे जनता ने सपोर्ट किया है कर्फ्यू का, जनता कर्फ्यू का। तो ये मुलुंड चेकनाका की हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, आगे हम आपको ले कर चल के दिखाएंगे और भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए मुंबई आगरा हाईवे हम आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इतना बड़ा हाईवे है कि डेली यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियां जा रही थी, आ रही थी, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जाती है आती है, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स यहां से डेली गुजरती है, लेकिन यहां पे आज पूरा एक सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं आ रही जा रही, हो सकता है कि उन्हें कुछ इमरजेंसी होगा इसलिए वो गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जनता समझदार हो चुकी है मुंबई की, और वो चाहती कि कोरोना से किस तरीके से लड़ा जाए, इसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। सिर्फ जो कुछ रिपोर्टर्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि उनका काम ही है आपको सच
पहुंचाने के लिए, खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे कि हम आपको और भी कुछ तस्वीरें बताएंगे, हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं मुसाफिर खाने की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये मुंबई के मुसाफिर खाने की हम आपको तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जनता स्वागत कर रही है जनता कर्फ्यू का, आखिर क्यों ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस से अगर हमें लड़ना है तो इस समर्थन में हमें साथ देना था, इस समर्थन में हमें आगे आना था। तो इस तरीके से जनता सामने आई है, सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। और तो जैसे कि पूरे देश में जनता कर्फ्यू जो लागू किया गया था, उसका किस तरीके से जनता ने स्वागत किया है, किस तरीके से जनता ने उसको सपोर्ट किया है, इसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई मुलुंड चेकनाका की, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, जहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही होती थी, लेकिन यहाँ पे एक सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे जो कर्मचारी हमें दिखाई दे रहे हैं टोल नाका के, गाड़ियों की बिल्कुल आवाजाही बंद है, क्योंकि जनता ने समर्थन किया है जनता कर्फ्यू का, इसके वजह से यहाँ पे आपको सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हम आपको और भी खबरें बताएंगे, हम आपको और भी जानकारी देंगे कि कहाँ कहाँ पे जनता ने सपोर्ट किया है कर्फ्यू का, जनता कर्फ्यू का। तो ये मुलुंड चेकनाका की हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, आगे हम आपको ले कर चल के दिखाएंगे और भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए मुंबई आगरा हाईवे हम आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इतना बड़ा हाईवे है कि डेली यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ जा रही थी, आ रही थी, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जाती है आती है, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स यहाँ से डेली गुजरती है, लेकिन यहाँ पे आज पूरा एक सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ आ रही जा रही, हो सकता है कि उन्हें कुछ इमरजेंसी होगा इसलिए वो गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जनता समझदार हो चुकी है मुंबई की, और वो चाहती कि कोरोना से किस तरीके से लड़ा जाए, इसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। सिर्फ जो कुछ रिपोर्टर्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि उनका काम ही है आपको सच पहुंचाने के लिए, खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे कि हम आपको और भी कुछ तस्वीरें बताएंगे, हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं मुसाफिर खाने की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये मुंबई के मुसाफिर खाने की हम आपको तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जनता स्वागत कर रही है जनता कर्फ्यू का, आखिर क्यों ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस से अगर हमें लड़ना है तो इस समर्थन में हमें साथ देना था, इस समर्थन में हमें आगे आना था। तो इस तरीके से जनता सामने आई है, सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, और पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये मुंबई के मुसाफिर खाने की हम आपको तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जनता स्वागत कर रही है जनता कर्फ्यू का, आखिर क्यों ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस से अगर हमें लड़ना है तो इस समर्थन में हमें साथ देना था, इस समर्थन में हमें आगे आना था। तो इस तरीके से जनता सामने आई है, सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। और जी नमस्कार, मैं नीलेश कनौजिया हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक बार फिर से। अभी हम खड़े हैं माहिम दरगाह के यहाँ पे, जहाँ पे इसका नज़ारा देख रहे हैं आप कि पूरी जो दुकानें यहाँ पे बंद चल रही है, तो काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है जनता कर्फ्यू का। यहाँ पे भी काफ़ी लोग समर्थन में है जनता कर्फ्यू के। देख सकते हैं आप कि मेरे पीछे जो आपको दुकानें दिखाई दे रही यहाँ पे, सारी की सारी बंद कर दी गई हैं, और जनता सपोर्ट भी कर रही है। अगर हमें कोरोना वायरस से लड़ना है तो बेशक हमें आगे कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा, हमें जो है गवर्नमेंट का, सेंट्रल चाहे गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हमें सपोर्ट करना है। तो इसी तरीके से मैं नीलेश कनौजिया हाजिर होते रहूँगा आप सभी के बीच में।